हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एजुकेशन, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है, दूरस्थ शिक्षा। इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जो कि हमारी पहले चलती थी, अभी ये शिक्षा नहीं चलती। इसमें क्या होता था कि जो इसमें स्टडी मटेरियल थे वो पोस्ट के थ्रू हमें मिल जाते थे, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो गया। फिर हमारा आया ओपन एजुकेशन, आया। फिर उसके बाद ये सब डिस्टेंस एजुकेशन में ही आते हैं, ये सारे डिस्टेंस एजुकेशन के ही टाइप्स हैं। सबसे पहले करेस्पॉन्डेंस, जिसमें जो भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, ये सब चीज़ें पूरी हमें पोस्ट के थ्रू मिलती थी, यानी प्रिंटेड फॉर्म में मिलती थी और पोस्ट के थ्रू मिलती थी। और फिर उसके बाद आया ओपन एजुकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, खुली शिक्षा। ये इस तरह की शिक्षा होती है जिसमें एडमिशन के टाइम कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इतनी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। मतलब आप इसको ले सकते हैं चाहे जितनी एज हो और चाहे जो क्वालिफिकेशन हो। फिर डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि इग्नू करवा रही है, उत्तर प्रदेश में UPRTOU, यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है, जो कि गवर्नमेंट है। अब हम सबसे पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, और रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग क्यों, क्योंकि हम इसको सेम टाइम में या फिर फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं लेते, जहाँ पे पूरा एक स्कूल होता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है पहले से। ये उस तरह का मेथड नहीं होता एजुकेशन लेने का, या उस तरह का टाइप नहीं होता। इसमें जो हमारा एजुकेटर है और जो लर्नर है, वो दोनों डिस्टेंस और टाइम दोनों से अलग होते हैं। यानी जैसे कि जो एजुकेटर है वो मान लो दिल्ली से पढ़ा रहा है, और जो हमारा लर्नर है वो किसी रूरल एरिया से एजुकेशन को ले रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन में अब सारे कोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें कि सारे डिग्री कोर्सेस हो गए हैं, सारे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस हो रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेस हो रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी हो पा रही है। और ईजिली रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, और जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से कितनी ईजिली हो पा रहे हैं। करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी इसे कहते हैं। इसका सबसे पहले जो फॉर्म था वो करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ही था। करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो कि 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की गई थी, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जहाँ पे जो स्टडी मटेरियल था वो हमारा सारा पोस्ट के थ्रू मिल जाता था, यानी पूरा प्रिंटेड, एक तरह का प्रिंटेड मीडिया के थ्रू हमें मिलता था। और इसमें जो भी हम शिक्षा लेते थे वो एक तरह से ऑफलाइन बेस पे, और जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो हमें पोस्ट के थ्रू मिलता था। हम असाइनमेंट जमा करते हैं पोस्ट के थ्रू। तो ये एजुकेशन उतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता था असाइनमेंट को जमा करने में, उसका हमें रिप्लाई मिल रहा है तो वो बहुत लेट मिल रहा है। तो ये एक तरह की उतनी भी अच्छी एजुकेशन नहीं थी। पर जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो पूरी तरह से हमारी ऑनलाइन बेसिस पे हो रही है, तो जो हमें रिप्लाई और जो भी हमें प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए वो हमें बहुत ईजिली मिल जाता है। इसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा करिकुलम है वो डिसाइडेड नहीं होता, यानी करिकुलम डिसाइडेड नहीं होता, और जिस एरिया में हम एजुकेशन ले रहे हैं वो डिसाइडेड नहीं होती। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो कि ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं या जो शिक्षा लेने से पिछड़ गए हैं, उनके लिए जो शिक्षा होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। तो ये एक तरह का नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक तरह की ऐसी शिक्षा है जिसमें जो हमारा गाइड है और जो स्टूडेंट है वो दोनों डिस्टेंस और टाइम दोनों से अलग होते हैं। यानी जो टीचर है वो मान लो किसी और एरिया से दे रहा है एजुकेशन, और जो बच्चा है वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो यानी रूरल एरिया या विलेज कहीं और से शिक्षा को ले रहा है। तो इस शिक्षा में दोनों लोग अलग अलग जगह से कर रहे होते हैं, और जो टाइम है वो भी सेम नहीं होता है। मान लो उसने पढ़ाया एक साल पहले, वो बच्चा जो है वो एक साल बाद उसको देख रहा है, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। इसे हम करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते थे। ये एक तरह के करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ही है, बस इसको थोड़ा सा
अपग्रेड करके डिस्टेंस एजुकेशन कर दिया गया है। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही का एक टाइप है। इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो कि बोर्जे होमबर्ग ने दी है, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है डिस्टेंस एजुकेशन जिसमें सारी तरह की स्टडी और हर लेवल के ये पूरी कवर करता है। जैसे कि हर तरह की स्टडी में क्या, जैसे जो हमारे डिग्री कोर्सेज हो गए, हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, हमारे वोकेशनल कोर्सेज हो गए, एट ऑल लेवल का मतलब क्या, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हर लेवल और हर तरह की स्टडी को ये कवर करता है डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि एक तरह से कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इग्नू करवा रही है डिस्टेंस एजुकेशन, वो एक टाइम देती है कि आपको 5 साल के अंदर ये कर लेना है ग्रेजुएशन कोर्स, तो वो कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे नहीं होता। आप 1 साल छोड़ के अगले साल भी कर सकते हैं। और जो इसका सुपरविज़न है वो भी किसी टीचर के द्वारा नहीं किया जाता कि टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंट होके उसका सुपरवाइज कर रहा है। इसमें भी जो बच्चा है उसको हर चीज़ सेल्फ ही करनी होती है, उसको सेल्फ ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और सेल्फ ही उसको पढ़ाई करनी होती है। तो जो बच्चा और टीचर है वो दोनों अलग होते हैं, वो लोग एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, यानी एक ही प्रेमिसेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो कि पैरी और रंबल ने दी है, उन्होंने क्या बताया है, ये एक तरह की सिस्टम है जिसमें लर्नर एंड द टीचर आर नॉट फेस टू फेस, यानी जो टीचर है और जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो दोनों फेस टू फेस नहीं होते, यानी वो लोग एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग जगह से शिक्षा एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग। सिंक्रोनस का मतलब ही होता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं या जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम लाइव कर रहे हैं या चैटिंग के थ्रू हम एजुकेशन को ले रहे हैं। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं जिसमें टीचर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग। ए सिंक्रोनस में क्या होता है, टीचर जो होता है वो एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी टीचर ने पढ़ाया 1 साल पहले और बच्चा उसको देख रहा है 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो उसको क्या कहते हैं, ए सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग। हाइब्रिड में क्या होता है, वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसे ई लर्निंग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ई लर्निंग में क्या होता है, जो कि हम कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन के थ्रू जो लर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। करस्पॉन्डेंस लर्निंग, करस्पॉन्डेंस लर्निंग को हमने पहले ही समझा दिया कि क्या होता है, जिसमें जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो पोस्ट के थ्रू हमें मिलता था। ये सबसे पहले ये वाली शिक्षा चलती थी पहले 19th century के टाइम में। फिर ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग में क्या है, शिक्षा हमें दी जा रही है उसमें कोई ऐसा क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी एज डिसाइडेड नहीं, यानी आप किसी भी एज में कर सकते हैं, और ना क्वालिफिकेशन या एंट्रेंस के थ्रू ये शिक्षा होती है, आप डिग्री लेके जाएंगे तो आपको एडमिशन हो जाता है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम ही पास करके मिलेगा एडमिशन, तो ये एक तरह की ओपन लर्निंग हो जाएगी। तो हम इसको, इसके सारे जो टाइप्स हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।